الشيطان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. हर किस्म की हमदो सना बड़ाई के बरियाई रिफात व बुलंदी उस अल्लाह अहकमुल हाकिमीन की ज़ात के लिए है, वो जो हम सब का खालिक है, मालिक है, राजिक है, दाता है, नफे नुकसान का मालिक है, बिगड़ियाँ बनाने वाला है, मौत व हयात का मालिक है, जो आला कुल्ल शैइन कदीर है। बेशुमार ला तादाद अनगिनत दुरूद व सलाम सैयदुल अवलीन वल आखिरीन, इमाम मुज्तबा, इमाम रुसुल, खातमुल अंबिया, आकाए दो जहां, कायनात के सरदार नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए। साहिबों और साथियों, काबिल एहतराम तशरीफ़ फरमा माओ और बहनों, अल्लाह मालिकुल अलाम का बेहद एहसान है कि जिस रब्बुल आलमीन ने हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। दुआ है अल्लाह का मुल्हा कमीन हमें अपनी कमियों को, हमें अपनी कोताहियों को, हमें अपनी सुस्तियों को दूर करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात सामईन, कुरान मजीद का एक एक मुकाम हमारी रहनुमाई करता है। दुआ है अल्लाह हमें इस कुरान से मुस्तफ़ीद होकर अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमाए। आज का हमारा उन्वान है, आज का हमारा मौजू है कि वो लोग जो इस कायनात में रहते हुए खालिक हकीकी की मखलूक होते हुए खालिक हकीकी का खाकर, उसका पीकर, उसके इनामात से खुशगवार ज़िंदगी गुजार कर रब्बुल आलमीन की नाफरमानियाँ करते हुए, फरमा बरदारियाँ नहीं, सब कुछ रब का दिया हुआ, सब कुछ रब से लिया हुआ, सब कुछ रब ने अता किया हुआ, बेशुमार इनामात की बारिशें रब्बुल आलमीन ने उन पर की हुई, लेकिन इसके बावजूद वो लोग रब की नाफरमानियों में अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले, ऐसे लोगों का रब्बुल आलमीन के यहाँ अंजाम और ठिकाना क्या है। अल्लाह का मुलाकिमीन हम सबको रब की दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और रब्बुल आलमीन के जो हमारे ऊपर एहसानात हैं उन एहसानात को हमें याद रख के अपनी ज़िंदगियों को गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और हमें फरमा बरदारी वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। कहीं ऐसा ना हो कि रब्बुल आलमीन ने हमें भी सब कुछ दिया हो और हम उस रब की नेमतों के साथ साथ उसकी नशुक्री करते रहें, उसकी नाफरमानियाँ करते रहें, और हमारा ठिकाना भी कहीं इन लोगों जैसा ना हो जाए। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। कुरान मजीद का एक मुकाम अहबाब के सामने तिलावत किया है, रब्बुल आलमीन कहते हैं वइज़ा उल्कु मिन्हा मकानन ज़य्यिका, जब हम इनको तंग जगह से गुजारेंगे। हज़रात याद रखिए, नाफरमानी जब हो जाती है, जब बंदे से गलती हो जाती है, तो उसके बाद जो सज़ा का मामला है, फिर वहाँ पे इंसान ये ना सोचे कि मेरे साथ अब कोई रियायत बरती जाएगी, फिर वहाँ पे फैसला रब्बुल आलमीन का, फिर वहाँ पे मर्जी रब्बुल आलमीन की, फिर वहाँ पे इंसाफ रब्बुल आलमीन का, और रब्बुल आलमीन किसी पर जुल्म नहीं करते। इंसान ने जो किया है उसी के मुताबिक उसको सजा दी जाएगी, इंसान ने अगर नेक आमाल किए हैं उसी के मुताबिक उसको उसकी जजा दी जाएगी। तो रब्बुल आलमीन कहते हैं कि वो लोग जो दुनिया में कुफर करते रहे, काफर लोग हैं या नाफरमानियाँ करने वाले लोग हैं, कल क़यामत का दिन होगा जब हम इनको एक तंग जगह से गुजारेंगे। ये जहन्नम में डालने का एक सजा का मामला शुरू होने लगा है, जब इनको जहन्नम के अंदर डाला जाएगा तो ऐसा नहीं उठा के जहन्नम के अंदर पटक दिया जाए, नहीं, रब्बुल आलमीन कहते हैं मकानन ज़य्यिका, हम इनको एक ऐसी तंग जगह से गुजारेंगे। यूं समझ लें कि हमारा वजूद कितनी जगह से गुजर सकता है, मेरा और आपका वजूद एक सुराख बना हो दीवार के अंदर और हमें वहां से गुजरने का हुक्म दिया जाए कि आपने यहां से गुजरना है, और वो जगह मेरे जिस्म के बराबर ना हो, मेरा जिस्म वहां से गुजर ना सके, मेरा वजूद भारी, मेरा वजूद बहुत बड़ा, लेकिन वो जो दीवार के अंदर सुराख है जहां से मुझे निकलने का, गुजरने का हुक्म दिया जा रहा है, वो सुराख तंग है, वो सुराख छोटा है, वहां से मैं गुजर नहीं सकता, मुश्किल होगी कि नहीं। रब्बुल आलमीन कहते हैं जहन्नम के अंदर भी जब हम इनको फेंकेंगे, इनको डालेंगे, तो इनको तंग जगह से गुजारेंगे। ये सजा का पहला कदम शुरू हो गया, इब्तिदा हो गई है। मकानन ज़य्यिका मुकर्रनीन दऊ हुनालिका सुबूरा, और उसके बाद हम इनको जहन्नम की आग वाली जंजीरों में जकड़ेंगे
और जब उस तंग जगह से गुजारेंगे, जहन्नम की आग वाली जंजीरों में इनको जकड़ के जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा, वहां पे ये इंसान अपनी मौत को आवाजें देंगे। दाऊ हुनाली का सबूरा, ये अपनी मौत को आवाजें देंगे। हजरत जहन्नमियों के अहवाल कुरान ने मुफसर अंदाज में भी बयान किए हैं, तफसीलन अंदाज में भी बयान किए हैं, मुख्तसर अंदाज में भी बयान किए हैं। अल्लाह का मुलाकिमीन हमें उनको समझने की और इससे सबक सीखने की तौफीक अता फरमाए। हजरत जहन्नमियों का जब जहन्नम के अंदर इनको फेंक दिया जाएगा, इनका हाल वहां पे क्या होगा, कुरान मजीद ने उसका नक्शा खींचा। कुरान मजीद बयान करता है, ये दुनिया में ऐशो इशरत वाली जिंदगी गुजारने वाले, रब की नाफरमानियों में और कुफर करते हुए जिंदगी गुजारने वाले, जब जहन्नम के अंदर इनको फेंक दिया जाएगा, ये मौत को आवाजें देंगे। और हालत क्या है, एक दूसरे को कहेंगे सारे मिलके हम जहन्नम से रब्बुल आलमीन को बुलाते हैं कि आज हमें मौत आ जाए। कुरान कहता है सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, फिर वहां पे ना तो मौत होगी और ना ही कोई जिंदगी होगी। मौत से मुराद क्या है, अका अलैहिस सलातु वस्सलाम ने ऐलान किया कि रब्बुल आलमीन जब सारे जहन्नमियों को जहन्नम में फेंक देंगे, सारे जन्नती लोग जन्नत में ऐश वाली जिंदगी गुजार रहे होंगे, रब्बुल आलमीन ऐलान करेगा या अहलल जन्ना, ऐ जन्नत वालों, सारे जन्नती खबरदार हो जाएंगे, सारे जन्नत वाले खबरदार हो जाएंगे, रब की तरफ से कोई अनाउंसमेंट होने लगी है। रब्बुल आलमीन क्या कहेंगे, मैं तुम लोगों पर खुश हो गया, मैं तुम लोगों पर राजी हो गया, मैंने तुम लोगों से जो वादे किए थे मैंने वो वादे पूरे कर दिए। या अहलन नार, ऐ आग वालों, जहन्नमी लोगों की कैफियत मुफस्सिरीन ने जो बयान की कुरान मजीद की कुरान मजीद की आयात से नचोड़ निकाल के जो उन्होंने बयान किया कि जब ये आवाज लगाई जाएगी ना या अहलन नार, ऐ आग वालों, इनके दिलों पर, इनके चेहरों पर, इनके दिलो दिमाग पर उम्मीद की एक किरण नमूदार होगी कि हम कितनी मुद्दतों से पुकार रहे हैं, ऐ हमारे रब, या रब्बी या रब्बी या रब्बी, हमें बचा ले, आग को कम कर दे, अजाब को कम कर दे, एक दिन की मोहलत दे दे, थोड़ी देर के लिए बचा ले। हम कितनी मुद्दतों से आवाजें लगा रहे हैं, हमारी आवाज पर लबैक नहीं कहा जा रहा, अब रब्बुल आलमीन खुद हमें बुला रहे हैं, उम्मीद की एक किरण पैदा होगी। या अहलन नार, इनके दिलो दिमाग पे क्या होगा कि शायद माफी तलाफी वाला कोई मामला होने लगा है। रब्बुल आलमीन कहेंगे तुम लोगों ने मेरी नाफरमानियां की, मेरी हदों को फलांगा, मेरी और मेरे रसूल की बातों का नाउज बिल्ला मजाक बनाया। मजाक बनाने से मुराद क्या है, जब बात मानेंगे नहीं तो मजाक ही है ना, अल्लाह की दी हुई नियमतों की ना कदरी की ना शुक्री की। मायूस हो गए रब्बुल आलमीन कहेंगे, और अहादीस से कुरान मजीद की बेशतर आयात से ये बात साबित होती है कि एक परिंदे की शक्ल में मौत को ज़िबा किया जाएगा, और जन्नती लोगों को और जहन्नमी लोगों को ये ऐलान कर दिया जाएगा, ऐ जन्नत वालों, ऐ जहन्नम वालों, आज के बाद किसी को मौत नहीं आएगी। जो मौत की आवाजें लगा रहे थे कि काश हमें मौत आ जाए, कुरान ने कहा सुम्मा ला यमूतु फीहा, फिर वहां पर मौत नहीं होगी। वला यहया से मुराद क्या है, जिंदगी तो है लेकिन मर जाने से बेहतर, जिंदगी तो है लेकिन इससे बेहतर क्या है कि मर जाए। ऐसी जिंदगी का भला क्या करना कि इंसान के पूरे वजूद को जहन्नम की आग झुलसा रही है, जहन्नम की आग ने उसके पूरे वजूद को लपेटा हुआ है। सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, वहां पे ना मौत होगी और ना जिंदगी होगी। जिंदगी अगर इस तरह की मिली है, ये चमड़ी, ये जिलद, ये खाल, ये जो हमारे वजूद के ऊपर है, अल्लाह का मुलाकिमीन हम सबको महफूज फरमाए। जहन्नमी लोग जब जहन्नम में जल रहे होंगे, ये खाल उतर जाएगी, ये जिलद जल जाएगी, सड़ जाएगी, रब्बुल आलमीन दोबारा से जिस्म को फिर रीन्यू कर देंगे। ये अजाब का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। अल्लाह का मुलाकिमीन हम सबको महफूज फरमाए। हजरात सामईन, दुनिया में नाफरमान लोग, दुनिया में काफर लोग, रब के नाफरमानियों में दिन रात एक करके अपनी जिंदगियों को गुजारने वाले, जरा आप उनके दस्तरखानों का जायजा लें ना, कहीं शराब पड़ी है, कहीं चर्क पड़ी है, कहीं फीम पड़ी है, कहीं रब की नाफरमानियों वाले और बहुत सारे मामलात पड़े हैं, कहीं पे हरामकारी हो रही है, कहीं पे हराम खाया पिया जा रहा है, और दस्तरखानों पर एक नहीं बीसियों खाने लगे हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म की डिशेज लगी हुई हैं, स्वीट डिश है,
नमकीन डिश है, ये फुला है, ये फुला है, और लजीज से लजीज तर खाने इनके सामने पड़े हुए हैं। लेकिन जिंदगी किस तरह की गुजर रही है? रब की नाफरमानी में, रब की नेमतों की नकदरी करते हुए। रब ने अगर मुझे दिया है, मैं खा रहा हूं, तो मैं सर बसजूद होकर रब का शुक्र नहीं अदा कर सकता? मैं क्याम करके, मैं रुकू करके, मैं सजदा करके रब का शुक्र नहीं अदा कर सकता? और इससे बड़ा सजदा शुक्र क्या हो सकता है? इससे बड़ा रब का शुक्र का तरीका क्या हो सकता है? जो नबी अलैहि सलाम ने बयान कर दिया कि रब से मुलाकात है, नमाज रब से क्या है? मुलाकात है। हजरात, बीसियों डिशें लगी हुई हैं, रब की नाफरमानियों में जिंदगी गुजार के लजीज से लजीज तर खाने खाए जा रहे हैं, लेकिन इसी हालत में ये मर गया। रब की नाफरमानियां करते हुए, कुफर करते हुए ये मर गया। रब्बुल आलमीन कहते हैं कल क्यामत को जब हम इसको एक तंग जगह से गुजार के जहन्नम की जंजीरों में जकड़ के जब इसको जहन्नम के अंदर फेंकेंगे और वहां पे ये मौत को पुकारेगा, वहां पे ना इसको मौत मिलेगी, जो जिंदगी है वो जिंदगी भी इस तरह की जिसका भी तज़किरा सुन लिया, वहां पे इसको भूख लगेगी। वहां पे इसको क्या होगा? भूख लगेगी, ये खाना मांगेगा। ऐ अल्लाह, चलो जहन्नम की अजाब से तो छुटकारा नहीं, जहन्नम के अजाब को तो आपने कम नहीं करना, तो मुझे जो भूख लगी है उसका क्या करें? मुझे भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दिया जाए। तो रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर उसका भी नक्शा खींचा, इन्ना शजरत ज़क्कूम, ज़क्कूम का दरख्त जिसको थोहर भी कहा जाता है, ज़क्कूम का दरख्त, ज़क्कूम का फल इसको अता किया जाएगा, इसको दिया जाएगा। ताअमुल असीम, कुरान ऐलान कर रहा है ये गुनाहगार लोगों का खाना है। कल मुहली यगली फिल बुतून, ये इसके साथ अपने पेटों को भरने की कोशिश करेंगे। रब्बुल आलमीन कहते हैं कगल यिल हमीम, जब ये खाना खाएंगे वो तांबे की तरह पिघला हुआ और गरम खोलता हुआ वो खाना इनकी अंतड़ियों को पिघला के पेशाब और पखाने के रास्ते से बाहर निकाल देगा। अल्लाह का मुलाकिम इनाम सबको महफूज फरमाए। और कुरान मजीद का दूसरा मुकाम, रब्बुल आलमीन कहते हैं हम इनको खाना अता करेंगे, अहादीस की तस्वीर, हम इनको खाना अता करेंगे, ये खाना खाएंगे, वो ज़कूम, वो थोहर का दरख्त, उसका फल जो इसको खाने के लिए दिया गया है, ये जब इसको अपने हलक में रखेगा वो अटक जाएगा। अब ये क्या मांगेगा? निवाला फंस जाए, निवाला अटक जाए, तो उसको आगे गुजारने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? पानी का। कोई कोल्ड ड्रिंक पीता है, कोई पानी पीता है, रब की नेमते हैं। अब इसके हलक के अंदर जब वो कांटा चुभ गया, वो खाना रुक गया, वो नवाला जो ये ना चाहते हुए इसको खाना पड़ा, ना चाहते हुए अपने पेट की भूख को भी तो खत्म करना है ना, ना चाहते हुए इसने अपने उसको हलक से नीचे उतारने की कोशिश की, ये हलक से नीचे नहीं उतरेगा, अब इसके लिए इसको पानी की जरूरत होगी। तो रब्बुल आलमीन इसको गरम खोलता हुआ पानी अदा करेंगे। वो पानी कितना गरम होगा, कितना खोलता हुआ होगा कि अगर ये उसको पीने के लिए अपने होंठों के करीब करेगा, नीचे वाला होंठ लपक के इसके पांव के साथ चिपक जाएगा। और जब ये पिएगा, तकलीफ है, हलक में वो निवाला फंसा हुआ है, आगे गुजर नहीं रहा, पीछे आ नहीं रहा, अब उसको गुजारने का रास्ता एक ही है कि यह पानी पीना पड़ेगा, मजबूर कर दिया गया है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, कोई चारा नहीं, कोई और तरीका नहीं। पीने के लिए जब इस पानी को अपने मुंह के साथ लगाएगा, होंठों की कैफियत ये होगी कि होंठ पांव के साथ, और जब ये पिएगा तो सारी की सारी अंतड़ियां जल सड़ जाएंगी और पेशाब और पखाने के रास्ते से बाहर आ जाएंगी। अल्लाह का मुलाकिम नाम सबको महफूज फरमाए। रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमाया मिन वराइही जहन्नम, इनके पीछे जहन्नम, यानी कि चारों तरफ से जहन्नम की आग ने इनको घेरा हुआ है। वायुस्का मिन माइन सदीद, इनको पीने के लिए खोलता हुआ पानी दिया जाएगा। यतजर्रउहु, ये इसको पी नहीं सकेंगे। वला यकादु युज़ीगुहु, वो जो निवाला डाला है ना उसको बाहर फेंक सकेंगे, ना आगे गुजार सकेंगे, उसके लिए रास्ता क्या है? पानी पीना पड़ेगा। अल्लाह का मुलाकिम नाम सबको महफूज फरमाए। हजरात, आज दुनिया में हम देखते हैं, दुआ ये किया करें अल्लाह हमें फरमा बरदारों के साथ में शामिल कर ले, ना फरमानों के साथ में अल्लाह हमें शामिल ना करे। दुनिया में ऐशो इशरत वाली जिंदगी गुजारने वाले, और जिंदगी किस तरह की है? ना फरमानी वाली। बात किन की हो रही है?
वो लोग जो रब की नेमतों का कुफर करते रहे, नाफरमानियां करते हुए अपनी जिंदगियां गुजार के गए और इसी हालत में मर गए बगैर किसी तौबा के, जब वो रब के पास जाएंगे तो उनका अंजाम क्या होगा? हजरत काफिर लोग, रब के नाफरमान लोग, नाफरमानियों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐशो इशरत वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं, और अगर लिबास की बारी आती है ना तो उनका लिबास इतना अजीम होगा कि उस जैसा लिबास किसी का नहीं होगा। खूबसूरत लिबास जो उन्होंने अपने जेब तन किया है अपने जिस्म को ढकने छपने के लिए, उन्होंने खूबसूरत से खूबसूरत अल्फाजों का चुनाव किया, लेकिन नाफरमानी है रब्बुल आलमीन की और इसी नाफरमानी में मौत हुई है, बगैर तौबा किए ये मर गए हैं, सीधे रास्ते पे नहीं आए। ऐसे नाफरमान और ऐसे काफर लोगों को कल क्यामत को रब्बुल आलमीन के यहाँ किस तरह का सामना करना पड़ेगा, किन अजाबों को देखना पड़ेगा, किन अजाबों को सहना पड़ेगा? रब्बुल आलमीन कहते हैं फल्लदीन कफरू कुत्तियात लहुम सियाब मिन नार। बस ये लोग हैं जिन्होंने कुफर किया, जिन्होंने नाफरमानियां की, कुत्तियात लहुम सियाब मिन नार, आग से इनके लिए कुर्ते काटे जाएंगे। मतलब क्या है? आग का लिबास इनको पहनाया जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, 100 मरतबा यही दुआ है, अल्लाह ना करे, अल्लाह सबको महफूज फरमाए, तमाम आलम इस्लाम को महफूज फरमाए। यहाँ की मिसाल क्या देनी है, फिलिस्तीन जर रहा है, सब देख रहे हैं, घरों में बमबारी की जा रही है, आग लगती है कि नहीं? इसके बाद क्या वहां पे सारे इंसान वो धुएं से मर रहे हैं? कोई जल के नहीं मर रहा, जल के भी शहीद हो रहे हैं, कोई धुएं से शहीद हो रहे हैं, कोई मलबे के तले दब जाने से शहीद हो रहे हैं। हजरात एक इंसान जिसका जिस्म जल जाए, ये एक दुनिया की आग है, ये एक दुनिया की आग है जिसके मुतल्लक मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत वाली जुबान से ऐलान किया कि रब्बुल आलमीन ने इसको 700 मरतबा अपनी रहमत से धोया, उसके बाद इसको दुनिया में भेजा। और आज इस आग की कैफियत यह है, लोहे को पिघला के रख देती है। आज इस आग की कैफियत यह है कि इंसान चंद सेकंड के लिए अपना हाथ या अपनी उंगली को इस आग में रख नहीं सकता, और वो जो इससे 70 गुना या 700 गुना तेज आग है, उसका आलम क्या होगा? अल्लाह कमल हाकिम इनाम सबको महफूज फरमाए। नाफरमानियां करने वाले, रब की हदों को फलांगने वाले और कुफर वाली जिंदगी गुजारने वाले, रब्बुल आलमीन कहते हैं फल्लदीन कफरू कुत्तियात लहुम सियाबुम मिन नार, इनको जहन्नम की आग से काट काट के कुर्ते पहनाए जाएंगे, यानी कि जहन्नम की आग इनके जिस्मों को लपेटेगी और बतौर कुर्ता काम करेगी। युसब्बु मिन फौकि रुउसिहिमुल हमीम, जो इनके सरों से ऊपर ऐसे निकल रही होगी जैसे शोले निकलते हैं, शोलों की तरह इनके जिस्मों से वो निकल रही होगी। और दूसरी जगह रब्बुल आलमीन कहते हैं लहुम मिन जहन्नम मिहाद व मिन फौकिहिम गवाश, के रब्बुल आलमीन इनको ऐसे बिछौने अता करेगा, इनको ऐसे ओढ़ने अता करेगा, वो भी जहन्नम की आग से होंगे। सिर्फ लिबास की बात नहीं हो रही, इनके ऊपर नीचे, इनके दाएं बाएं, इनके जिस्म को ढकने के लिए रब्बुल आलमीन जो इनको कुर्ते और कमीजें और शलवार कमीज अता करेगा, जो ओढ़ने और बिछौने के लिए रब इनको बिस्तर अता करेगा, वो भी जहन्नम की आग के। अल्लाह का मुलाकिम इनाम सबको महफूज फरमाए। हजरात दुनिया की जेलें होती हैं, दुनिया की अदालतें होती हैं कि यहाँ पे इंसान को सजा सुनाई जाए, वो जेल में चला जाए, खुदा ना खास्ता अगर उसको कोई बीमारी लग जाती है तो वो कहाँ पे जाता है? फौरन से गाड़ी में बिठा के उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, ठीक है, किसी को मुल्क से बाहर भेज देते हैं कि भाई जाओ इससे थोड़ा इलाज कोई नहीं, बाहर जाओ, ठीक है। हजरात वो जहन्नम जिसका जिक्र हम सुन रहे हैं, जिसको देखने के बाद, जिसमें जाने के बाद इंसान ये तमन्ना करेगा कि काश मुझे मौत आ जाए, रब्बुल आलमीन कहते हैं रब की नाफरमानियां करने वाले, कुफर करने वाले, जब दुनिया में ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार के वहां पे जाएंगे, हम इनको वहां पे जो कैद देंगे ना, वो बड़ी साउबतों वाली कैद होगी, बड़ी तंगियों वाली कैद होगी। वो कैद किस तरह की है? रब्बुल आलमीन कहेंगे खुजूहु फगुल्लू, इसको पकड़ो और जहन्नम की जंजीरों में इसको जकड़ दो। वो जहन्नम की जंजीरें क्या है? आग है। खुजूहु फगुल्लू सुम्मल जहीम फल्लू, फिर इसको पकड़ो और जहन्नम के अंदर डाल दो, यही इसका ठिकाना है। सल्लू से मतलब क्या है?
हम कहते हैं ना कि यार मैंने फलां काम किया, मुझे उसका सिला ही कोई नहीं मिला। सिला से है सल्लू, सुम्मल जहीम सल्लू, फिर इसको पकड़ो जहन्नम के अंदर फेंको, यही इसका ठिकाना है। सहूबतें हैं, कैदो बंद की सहूबतें हैं। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन से दुआ है, अल्लाह हमें फरमा बरदारों वाली जिंदगियां गुजारने की तौफीक अता फरमाए। कुरान दूसरे मुकाम पर ऐलान फरमाया, इन्ना लदैना अनकालम व जहीमा, ये जो बेड़ियां हैं और भड़कती हुई आग है ये तेरा ठिकाना है, ये बेशक हमारा है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे पास नाफरमान लोगों के लिए क्या है, इन्ना लदैना अनकालम व जहीमा, बेशक हमारे पास बेड़ियां हैं और भड़कती हुई आग है उन लोगों के लिए जिन्होंने रब की नाफरमानियां की, कुफर में जिंदगी गुजारी है। वअस्हाबु शिमाल मा अस्हाबु शिमाल फी समूमिम व हमीम व ज़िल्लिम मिन यहमूम ला बारिदिन वला करीम, सूरतुल वाकिआ। रब्बुल आलमीन कहते हैं बाएं हाथ वाले, क्या ही अफसोस है बाएं हाथ वालों पर। और बाएं हाथ वालों से मुराद पता है कौन है, बदनसीब लोग हैं ये, वो लोग हैं कि जिन्होंने दुनिया में रह के रब की नाफरमानियां की हैं। सूरत फाका के अंदर आपने तफसीर से बयान किया, दाएं हाथ वालों का भी जिक्र किया, बाएं हाथ वालों का भी जिक्र किया, और दाएं हाथ वालों से बता दिया ये जन्नती लोग हैं, ये रब के फरमाबरदार लोग हैं जिनको दाएं हाथ में ये नामा माल दिया जा रहा है, ये खुशबख्ती की अलामत है। और जिनको अल्लाह हमें महफूज फरमाए, जिनको बाएं हाथ में नामा माल दिया जा रहा है ये बदबख्ती की अलामत है, बदनसीबी की अलामत है और जहन्नमी लोगों की अलामत है। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। कुरान कहते हैं अस्हाबु शिमाल मा अस्हाबु शिमाल, हाय अफसोस है बाएं हाथ वालों पर, फी समूमिम व हमीम, ये खोलते हुए पानी में होंगे, व ज़िल्लिम मिन यहमूम, और ऐसे घने सायों में होंगे, ऐसे घने सायों में होंगे, ला बारिदिन वला करीम, जो ना तो ठंडे होंगे और ना गर्म होंगे, लेकिन उस घने सायों से, अंधेरे वाले सायों से इनको गुजरना पड़ेगा। ये जहन्नम की एक झलक है, ये जहन्नम का एक अजाब है। अल्लाह का मुलाकिमीन हम सबको महफूज फरमाए। अजाब ये सारा कुछ होने के बावजूद ये अजाब कम है कि पूरा जिस्म जहन्नम की आग में है, आग का कुर्ता पहनाया गया है, आग का पजामा पहनाया गया है, आग का ओढ़ना बिछोना इसको दिया गया है, और जहन्नम के जंजीरों, आग की जंजीरों में, भड़कती हुई आग में इसको डाल दिया गया है, हर तरफ से ये जल रहा है, और जिस्म खत्म होता है दोबारा फिर रीन्यू कर दिया जाता है, दोबारा फिर नया जिस्म आ जाता है, और ये अजाब का सिलसिला जारी है। क्या ये अजाब कम है? रब्बुल आलमीन कहते हैं कि जहन्नमी लोग जब जहन्नम की आग में जल सड़ रहे होंगे ना, हमने इनके ऊपर फरिश्ते मुकर्रर किए, इनके ऊपर फरिश्ते मुकर्रर किए, और वो फरिश्ते इनको लोहे के गुर्दों से मारी जा रहे हैं, मारी जा रहे हैं, मारी जा रहे हैं, उनका काम यही है। कुरान मजीद की सूरत तहरीम के अंदर आपने उसका नक्शा खींचा, अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन, हुक्म दिया गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम वअहलीकुम नारा वकूदुहा अन्नासु वल हिजारा, ऐ लोगों अपने आप को, अपने अहल अयाल को जहन्नम की आग से बचा लो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफअलूना मा युमरून, वो जो फरिश्ते हमने उस जहन्नम के दरोगे बनाए हैं ना, जिनकी ड्यूटी जहन्नम पर है, वो किस तरह के हैं? अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन, शदीद गुस्से वाले, शिदाद सख्त गुस्से वाले, ला यअसूना अल्लाह मा अमरहुम, वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानियां नहीं करते। और नबी अलैहिस्सलाम को इस बात को समझाने के लिए कि वो कितने गुस्से वाले हैं, उनके चेहरे के असरात से कैसे नजर आता है कि वाकई ये गुस्से वाले हैं, हजरत नबी अलैहिस्सलाम को जब मेराज करवाई गई, आका अलैहिस्सलाम की फरिश्तों से मुलाकात हुई, जिब्राइल अमीन फरिश्तों से मुलाकात करवा रहे हैं, सब ने आके मुसाफा किया, सबके चेहरों पर खुशी है। एक फरिश्ता आया, आके उसने भी सलाम किया, आहलन सहलन मरहबा कहा, लेकिन चेहरे पर खुशी नजर नहीं आई, चेहरे पर खुशी के असरात नजर नहीं आए, तबस्सुम नाम की, मुस्कुराहट नाम की कोई चीज ही नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम पूछे हैं, जिब्रील इस फरिश्ते को मेरे आने से खुशी नहीं हुई? जिब्राइल अमीन जवाब देते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसी बात नहीं है, आपके आने की खुशी भला किसको नहीं है, सारे खुश हैं। दर हकीकत बात यह है कि जहां पे इस फरिश्ते की ड्यूटी लगी है वहां पे हंसी नाम की चीज ही कोई नहीं है। कहां पे है? जहन्नम का ये दरोगा है, जहन्नम का ये सिक्योरिटी गार्ड है, रब ने वहां पे इसकी ड्यूटी लगाई है,
और वहां पे ये लोगों की चीखों पुकार आहो पुकार को सुन सुन के इसका इसकी हंसी मजाक वैसे ही खत्म हो चुका है। इसके चेहरे से हंसी टपकती नहीं है, इसके चेहरे पर ये असरात हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपसे खुश नहीं। अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदाद, उस पर सख्त किस्म के गुस्से वाले फरिश्ते मुकर्रर किए गए हैं। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते नहीं बल्कि काम ही वो करते हैं जिसका रब उनको हुक्म देता है। रब ने ऐसे फरिश्तों को वहां पे मुसल्लत किया है। और एक हदीस की तफसीर के अंदर ये जिक्र किया गया कि वहां पे ऐसे फरिश्ते मुकर्रर किए गए हैं जो कानों से सुनते नहीं है, आंखों से देखते नहीं है, जिन्हों से अपनी पंजाबी जबान की कहेंगे अन्ने वापस मारी, जो ड्यूटी उनकी क्या है, बस मारी जाना है। और लोहे का गुर्द मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत वाली जुबान से जरा सुन लीजिए, आज दीवार के अंदर कील लगाते हुए हाथ पे हल्की सी हथौड़ी लग जाए नानी याद आती है कि नहीं? और अगर बड़ा हथौड़ा हो खुदा ना खास्ता अगर वो किसी के हाथ में लग जाए तो हड्डी फ्रैक्चर होने तक का इम्कान होता है। और अगर वो जो सड़कें तोड़ने वाले जिनके पास होता है अगर वो किसी की कमर में मार दिया जाए, किसी के सर पे मार दिया जाए, इंसान बचेगा? नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो लोहे का गुर्द, वो लोहे का हथौड़ा, सादा लफ्जों में सुन लें, गुर्द किसे कहते हैं? हथौड़े को। वो लोहे का हथौड़ा जो जहन्नमी लोगों पर फरिश्तों को रब ने मुकर्रर किया कि ये इनको मार मार के इनको खत्म करना है, दोबारा फिर जिस्म रिन्यू होंगे और मारते जाएंगे, ये सजा उन पर हमेशा के लिए मुसल्लत है। किन लोगों पर? जो काफर हैं, रब के नाफरमान लोग हैं। कितना बड़ा है, कितना भारी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह अहकमुल हाकिमीन अगर उस लोहे के गुर्ज को, उस लोहे के हथौड़े को इस कायनात में रख दे और पूरी कायनात के इंसान, पूरी कायनात के जिन उसको सारे मिलके हिलाना चाहें, उठाने की बात नहीं, क्या करें, उसको सिर्फ हिलाना चाहें, उठाने की बात नहीं हो रही, हिला नहीं सकते, पूरी कायनात के इंसान में मिल जाए, पूरी कायनात के जिन में मिल जाए, वो इतना बड़ा लोहे का हथौड़ा, इतना बड़ा लोहे का वो गुर्द जो एक फरिश्ता उठाएगा और जहन्नमी को मार के उसको फीती फीती उसका कीमा बना के रख देगा। जहन्नम की आग में ये जर रहा है, जहन्नम का लिबास इसको मिला हुआ है, जहन्नमी इसको खाना पीना दिया जा रहा है, पूरे का पूरा वजूद जहन्नम की आग में, ऊपर से ये सजा के फरिश्ते मुकर्रर किए हैं जिनका काम यह है कि इनको मारी जाना है, बस इनको मारी जाना है। अल्लाह का मुराकिबिन हम सबको महफूज फरमाए। हजार जहन्नम की आग छोटी आग नहीं है, जहन्नम की सजा छोटी सजा नहीं है। रब्बुल आलमीन कहते हैं अल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा, सूरतुल आला 30वां पारा, रब्बुल आलमीन कहते हैं अल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा, वो जो इनका ठिकाना है वो बहुत बड़ी आग है, बहुत बड़ी आग है, खाले उतार देने वाली आग है, जिल्दों को जला देने वाली आग है। अल्लाह का मुलाकिमीन हम सबको महफूज फरमाए और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ने फरमा बरदार लोगों में शामिल फरमाए। कुरान मजीद के 30वें पारे के अंदर रब्बुल आलमीन ने इसी आग के मुतलक कई मुकामात पर जिक्र किया, नारुल्लाहिल मुकदा, नारुल्लाहिल मुकदा, भड़काई हुई आग है, भड़काई हुई, और भड़काई किससे जाएगी, भड़काई किससे जाएगी, वकूदुहन नासु वल हिजारा, हम आज गैस का इस्तेमाल करते हैं आग को जलाने के लिए, गैस ना आए तो लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, कोयले का इस्तेमाल करते हैं, और देहात में तो पाथियों का इंतजाम करते हैं कि आग जलानी है, जरूरत को पूरा करना है, वो जो पाथियों का, वो जो गैस का, वो जो कोयलों का, वो जो लकड़ी का काम करेंगे उस जहन्नम की आग में वो ये इंसान और पत्थर होंगे। नबी अलैहिस्सलाम सहाबा इकराम के अंदर बैठे हैं और अचानक से किसी चीज के गिरने की आवाज आई, जैसे किसी बहुत बुलंदी से कोई बहुत भारी चीज फेंक दी जाए तो उसके गिरने की आवाज आती है। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे सहाबा पता है ये किस चीज की आवाज है, पता है ये किस चीज की आवाज है? सहाबा इकराम कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह व रसूलहु आलम, अल्लाह जानता है या आप जानते हैं, जितना अल्लाह ने आपको बता दिया होगा आप उस इलम के मुताबिक हमें भी बता दें, हमें तो कुछ इलम नहीं। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि 70 बरस पहले, 70 बरस पहले रब्बुल आलमीन ने
जिब्राइल अमीन को हुक्म दिया था, 70 बरस पहले जिब्राइल अमीन को हुक्म दिया था कि ये एक पत्थर है, इसको जहन्नम के अंदर फेंको। 70 बरस गुजरने के बाद, गुजर जाने के बाद आज वो उसकी तह में पहुंचे, कितनी बड़ी जहन्नम होगी। सूरत काफ, रब्बुल आलमीन उसके अंदर ये जिक्र कर रहे हैं हम सब की रहनुमाई के लिए कि वो जहन्नम की जो आग है, वो जहन्नम कल क्यामत को अपने आप से जब बाहर हो रही होगी, 70,000 जंजीरें लुगाम में उसको डाली होंगी और हर जंजीर, हर लुगाम के साथ, हर रस्सी के साथ 70,000 फरिश्ता होगा जो इसको काबू करने में लगा होगा, लेकिन इसके बावजूद वो हचकोले खा रही होगी, अपने आप से बाहर हो रही होगी और अपनी जुबान हाल से क्या कह रही होगी, ऐ अल्लाह कहां है वो तेरे नाफरमान लोग जो तेरी नाफरमानियां करते रहे, मैं बेताब हो रही हूं कि उनको फौरन से मेरे अंदर फेंक दिया जाए, मेरा अपना हिस्सा ही मुझे खाई जा रहा है। अल्लाह उन लोगों को भेजो जिन्होंने दुनिया में रहते हुए जबर वाली, सरकशी वाली और तेरी नाफरमानियां करते हुए, कुफर करते हुए जिंदगी गुजारी, अल्लाह आज मैं उनकी बड़ी शिद्दत से मुंतजर हूं, जल्दी से उनको मेरे अंदर भेज दो। नारुल्लाहिल मुकदा, भड़काई हुई आग और भड़केगी इन चीजों से, इंसान को डाला जाएगा, पत्थरों को डाला जाएगा और इस जहन्नम की आग को तेज किया जाएगा। हजरत तस्ला नारुन हामिया, सूरत गाशिया, रब्बुल आलमीन ने इसके अंदर भी जिक्र फरमाया कि वो दहकती हुई आग में दाखिल किए जाएंगे। कौन लोग? नाफरमान लोग, रब की नाफरमानियां करने वाले, रब के साथ कुफर करने वाले। अल्लाह का मुलाकिमीन जहन्नमी लोगों को जब ये सारी सजाएं दे रहा होगा, उसके बाद एक सजा और जिक्र की गई है। सजाएं तो ये भी कम नहीं है, सजा कोई भी कम नहीं है। जहन्नम का नाम सुन के ही फरमाबरदार लोग, ईमान वाले लोग और जन्नत में जाने का इरादा रखने वाले लोग, उनके जिस्मों पे कब कभी तारी हो जाती है, उनकी आंखों से आंसुओं की जड़ियां लगनी शुरू हो जाती हैं, मोती निकलना शुरू हो जाते हैं। रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर ईमान वालों की यह कैफियत बयान की कि ईमान वाले बंदे जब अल्लाह उसके रसूल की बातों को सुनते हैं, फजादतहुम ईमाना, उनके ईमान क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। वह अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वह अपने रब पर तवक्कुल करते हैं। हालत उनकी क्या है कि जब वो रब के अजाब की बातें सुनते हैं, उनकी आंखें बहना शुरू हो जाती हैं, उनके जिस्मों में लर्जा तारी हो जाता है, उनके दिल डरना शुरू हो जाते हैं। हजरात, ये सारी सजाएं मिलने के साथ एक सजा और जिक्र की गई कि रब्बुल आलमीन जब जहन्नमी लोगों को जहन्नम के अंदर ये सारी सजाएं दे रहा होगा, उनके सरों के ऊपर खोलता हुआ पानी डाला जाएगा। युसब्बु मिन फौकि रुउसिहिमुल हमीम युसहरु बिही मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद वलहुम मकामियुम मिन हदीद कुल्लमा अरादू यखरुजू मिनहा। रब्बुल आलमीन कहते हैं इनके सरों के ऊपर जब हम खोलता हुआ पानी डालेंगे, वो इनके जिल्दों को भी पिघला देगा, वो इनके जिस्म के अंदर जितनी अंतड़ियां हैं सबको खत्म कर देगा। वलहुम मकामियुम मिन हदीद, और उसके बाद रब्बुल आलमीन ऐलान करते हैं कि कुल्लमा अरादू यखरुजू मिनहा, कि जब वो यहां से निकलने की कोशिश करेंगे, उईदू फीहा, दोबारा फिर उसी के अंदर लुटा दिए जाएंगे। और कुरान मजीद के 24 सिफारे के अंदर रब्बुल आलमीन ने नक्शा बयान किया, वसीकल लजीन कफरू इला जहन्नम जुमारा, जब जहन्नमी लोगों को जहन्नम के अंदर धकेला जा रहा होगा, हत्ता इजा जाऊहा वफुतिहत अबवाबुहा, जब ये उसके दरवाजों के पास जाएंगे, वकाल लहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम रुसुल, क्या तुम्हारे पास कोई रसूल नहीं आए थे? सवाल करने वाले फरिश्ते, सवाल किन लोगों से किया जा रहा है, नाफरमानियां करने वाले, क्या तुम्हारे पास रसूल नहीं आए थे? कालू बला, कहेंगे क्यों नहीं, रसूल आए थे, वाज करने वाले आए थे, समझाने वाले आए थे, तरबियत करने वाले आए थे। वाला किन हक बद कलिमतुल अज़ाब अल काफिरीन, लेकिन हक बात यह है कि आज काफरों पर जहन्नम की आग वाजिब हो चुकी है। हजरत, रब की नाफरमानियों में खसारा ही खसारा है, रब की नाफरमानियों में जहन्नम के अलावा और कुछ नहीं है। हजरत, एक जहन्नम की वादी है जिसको कहते हैं वैल, वैलुल लिकुल्ली हुमज़ा तिल्लुमज़ा, जो इस सूरत का पहला लफज है वैल। ये एक ऐसी जहन्नम की वादी है, नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत वाली जुबान ने यह ऐलान किया कि जहन्नम खुद इस वादी से पनाह मांगती है, जहन्नम खुद इस वैल नामी वादी से पनाह मांगती है। हजरत, नाफरमानों को अल्लाह वहां पे फेंकेगा, बेनमाजों को अल्लाह वहां पे फेंकेगा। अल्लाह का मुलाकिमीन अपने
दिए हुए इनामात पर कुफर करने वाले इंसान, रब की नशुकरी करने वाले इंसानों को वहां पे फेंकेगा। अल्लाह का मुनाकिमीन हम सबको महफूज फरमाए। ये जहन्नम के चंद मनाजर आपके सामने, पहले तो मेरे सामने, उसके बाद आप अहबाब के सामने रखने का मतलब ये है, मकसद ये है कि यार अल्लाह हमें नाफरमानियों से बचा ले। सारे आमीन कह दें। अल्लाह हमें नाफरमानियों से बचा दे, अल्लाह हमें नाफरमान लोगों की सब से डिलीट कर दे, अल्लाह हमारा शुमार, हमारा दाखिला फरमा बरदारों में कर दे। अल्लाह हमें इताअत वाली जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, फरमा बरदारी वाली जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ये जहन्नम, जहन्नम का नाम सुन के ही अहले ईमान कांप जाया करते हैं। अल्लाह हम डरते हैं तेरे अजाबों से, हम इस काबल नहीं है कि हम उसको बर्दाश्त कर सकें। आज कहते हैं ना कोई नहीं, थोड़ी देर बाद हम चले भी जाएंगे, खैर है, अस्तगफिरुल्लाह। रब के अजाब से पनाह मांगनी चाहिए। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज में दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्री व औज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम। अल्लाह मुझे कब्र के अजाब से बचा ले और मुझे जहन्नम के अजाब से बचा ले। जिनको रब्बुल आलमीन ने मासूम बना के भेजा ना, मासूम, उनकी हालत यह है, हर नमाज के अंदर अपने तशहुद के अंदर ये दुआ कर रहे हैं। और हम कितनी मरतबा दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें कब्र के अजाब से बचा ले, हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले, करते हैं दुआ के नहीं? नहीं करते तो करनी स्टार्ट करते हैं। जिंदगी का कुछ पता नहीं है, पता नहीं हमने कितनी नाफरमानियां की हैं, कितनी फरमा बरदारियां की हैं। अल्लाह हमारे नेक अमलों को कबूल फरमाए, जो गुनाह हो चुके हैं अल्लाह उनको माफ फरमाए। जब तक जिंदा रखे दीन इस्लाम पे, मौत हालत ईमान पे, आखिरी वक्त में हम सबको कलमा नसीब फरमाए। आखिर दुआ अनिल हमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।